हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग आलू पोहा बनाने वाले हैं तो चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हमें चाहिए हाफ के जी पोहा वन कप आलू फल हाफ कप हाफ कप धनिया छः से आठ हरी मिर्च बारीक कटी हुई आठ छत दस कड़ी पत्ते एक कप प्याज़ बारीक कटी हुई एंड हमें चाहिए धनिया पाउडर वन एंड हाफ़ टेबल स्पून वन टेबल स्पून ज़ीरा वन एंड हाफ टेबल स्पून नमक वन एंड हाफ़ टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून अब हम पोहो को धो लेंगे दो कर बिकने के लिए रख देंगे अब हम कढ़ाई लेंगे उसमें ऑयल ऐड करेंगे उसमें हम फलीदाना को फ्राई करेंगे एक से दो मिनट तक देखिए फलीदाने फ्राई हो चुके हैं अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे देखिए फलीदाने फ्राई हो चुके हैं अब हम सेम कढ़ाई में आलू को फ्राई कर लेंगे हमने आलू के पतले पतले पीसेस कर लिए हैं हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाना है देखिए आलू लाइट ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे अब हम सेम कढ़ाई में राई ऐड करेंगे ज़ीरा भी ऐड करेंगे और उसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे अब हम इसमें प्याज़ ऐड करेंगे हरी मिर्च ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और और इन्हें चलाते हुए भुनेंगे अब हम इसमें नमक एड करेंगे हल्दी भी ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर भी और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे फली दाने भी और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हमने जो पोहा भिगाया था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे देखिए हमारा आलू पोहा रेडी है अब हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हल्का सा सेव डाल देंगे प्लेन सेव। देखिए हमारा टेस्टी आलू पोहा रेडी है आप भी ट्राई कीजिएगा Thanks for watching.